तो जी जिम हम पहुंच गए हैं, ठीक है अंदर चलते हैं। हाँ भाई जुबैर, क्या हाल है? ठीक ठाक हो राजीव भाई? अभी जिम है जी? हाँ नहीं, इधर देखो जरा, ठीक है कोई बंदा बशर नहीं। तो आपको भाई सबसे पहले पहुंचता है जिम पे। क्या बात है, एक दो बंदा होता है पहले भी मेरे आने से कुछ एक दो लड़का आ गया होता है, लेकिन आज नहीं है। मतलब कि मैं जिम आता हूँ मैं आऊंगा यार, एक दो लड़का और होगा, इससे ज्यादा लोग जिम में नहीं होते। अभी आज से आना शुरू हो गए, उन्हें साथ हो गए, ठीक है लाइटें भी सारी बंद है, जैसे लाइटें भी ऑन करते हैं। तो ये जी जिम आप देख सकते हैं नीचे वाला पोर्शन। तो अभी ऊपर भी है जी, आज मेरा मूड है कि मैं वर्कआउट ऊपर करूँ, पानी की बोतल भरते हैं और चलते हैं जाके अपना जो वर्कआउट है वो स्टार्ट करते हैं। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एंड द व्लॉग। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है, खुश बादशाह है, राशि बाजी फिट फाट है, रोजे कैसे जा रहे हैं सब के? अब तो रोजे माशाल्लाह खत्म होने वाले हैं, 6 से 7 रोजे रह गए हैं और रमजान का जो महीना है बड़ी जल्दी से गुजर गया और पता ही नहीं लगा रमजान का। अभी ये है कि अंबर को लेने जाना है, अंबर के ऑफिस का टाइम भी हो गया, वो पता व्लॉग आपका भाई इसी टाइम शुरू करता है ज्यादातर, इसीलिए फिर इस टाइम अंबर के ऑफिस का टाइम भी हो जाता है। अम्मा जी जो है बाहर पौधों को पानी दे रही है, साफ कपड़े दो रहे हैं घर वाले। तो मुझे आप लोग से बहुत शिकायत है, अच्छा ठीक है शिकायत ये है कि जारी बात है आप चाहते हमारे चैनल के जो मान के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और इसके लिए मैं चैनल के बैक एंड पे जाके चेक कर रहा था कि हमें अभी तक सिर्फ 40% लोगों ने सब्सक्राइब किया, 40 to 45% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। और ये मैं अभी इधर साइड पे नीचे आपको शो भी हो रहा होगा, मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे। ये बहुत गलत बात है यार, तो पैसे लगते हैं, मतलब वो बिल आना है आपको, तो एक पैसे चार्ज होने हैं आपके अकाउंट से, कोई डिडक्शन होनी है आपके अकाउंट से कि जी सब्सक्राइब करेंगे और पैसे काट जाएंगे, नहीं ना लगने। इसलिए सिर्फ आपने एक अंगूठे का इस्तेमाल करना है, तो जल्दी से जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, उससे होगा क्या कि चैनल पे जो भी नया ब्लॉग अपडेट करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगी और आप लोग हमारा ब्लॉग देख सकेंगे और इंटरटेन हो सकेंगे। और इसी तरह मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो करें, उधर भी आप लोगों को हम अपडेट करते रहेंगे और रील्स वगैरह और इस तरह पोस्ट करते रहेंगे और आप लोगों को उधर भी मतलब कि आप उन्हें एंटरटेन हो किया करेंगे आप लोगों को। तो अभी अंबर को चलते हैं लेने, ठीक है फिजान जो था वो बाहर किया हुआ है गाड़ी का सामान लेने के लिए, निकलते हैं जाके अंबर को लेके आते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि आज का सीन क्या है जो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। आ गए घर, ठीक है और आज इफ्तारी में क्या बन रहा है देखते हैं क्या बनने लगा है। अभी आ गए, हाँ जी क्या बनाने लगे हो आज? A few moments later. ये जी बर्गर बन रहे हैं, बर्गर 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 कौन से बनने लग गया? पैटी वाले बर्गर। चलो जी बनाओ, और क्या बनाना है? हैं और क्या बनाने लगी था? फ्रूट चाट, चिप्स और फ्रूट चाट भी बनानी है। चलो आज का जो हमारा ब्लॉग है ना उसका सीन ये है कि आज मैं आप लोगों को अपने जो जिम का ना वो टूर कराऊंगा। काफ़ी अरसा हो गया है कि जिम आपको प्रॉपर तरीके से दिखाया नहीं है मैंने, काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा, पुराने जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने तो देखा हो, लेकिन नया नए वालों ने नहीं देखा अभी तक। तो आज यह है कि मैं सोच रहा था कि जिम का जो है ना आपको एक टूर कराया जाए, और यह है कि मैंने रमज़ान में आप लोगों से ये भी नहीं शेयर किया कि मैं जिम मतलब मेरी टाइमिंग क्या है जिम की, क्या एक्सरसाइज खाने की तारीख के बाद ही जाता हूँ लेकिन किस टाइम जाता हूँ ये भी आप लोगों को आज पता लग जाएगा। और अफ्तारी वगैरह बन रही है अंदर, ठीक है मेरा सारा जो मील है वो भी रेडी हो रहा है, अभी बस अफ्तारी का टाइम होता जा रहा है और 15 से 20 मिनट तक अफ्तारी है। और आज जो है ना आपने बस जिम का जो मेरा ना
और टूर इंजॉय करना है, और जिम का जो आपको टूर कराएंगे हम, और आपको दिखाएंगे अपना जिम भी, और साथ अपना जो लेग का वर्कआउट है वो भी करेंगे, साथ साथ कपड़े शपे लगाएंगे, और जो जो आता जाएगा उधर सबसे मिलवाते जाएंगे आपको। जरा आज बच्चा पार्टी सारी गाय पे नहीं, ऐसे सारे बच्चे ना क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कभी बैडमिंटन, सारी जो रोजे का टाइम हो गया ना तकरीबन, सारे लोग अब अपने अपने घरों में पहुंच गए हैं। और अभी चलो हम भी अंदर चलते हैं, देखते हैं कहां तक अफतारी है, वो कहां तक पहुंची है, कितना वो रह गया है बनने में। इधर दस्तरखान जो है वो भी लग गया है, खजूरे जी पानी शानी में रख दिया, फ्रूट चाट भी रख दिया, और इधर जो है अंबर जो चाहिए ना फ्राइज जो अच्छी है वो फ्राई कर रही है अपने लिए, सबके लिए, बल्कि अफतारी में, ठीक है ये भी अफतारी, ये अभी क्या नाम है इधर ये बर्गर वगैरह इन्होंने बना के रखे हुए हैं। मिर्ची मिर्ची और तगड़ जो है ना लड़ पड़े आपस में। हेलो गाइस, गार्ड पता नहीं सिक्योरिटी गार्ड किधर गया, अफतारी मैंने उसकी इधर रख दी है, बाहर देखते हैं कहीं पे, इधर भी नहीं है वो, मैं आ गया, वो अफतारी रख देती है, ये अफतारी अपने रख दिया गार्ड की, आ गया बाहर, और रोटियां मैंने किया हुआ था, तबील भी आ गया है जी, और तलहा भी आ गया, आज अफतारी घर करने लगे हैं, तो बस 5-6 मिनट रह गए हैं अफतारी जो होती है ना अजानी होने में। अफतारी करके जी नमाज पढ़ ली है, नमाज मैंने घर में पढ़ी है, और मैं मगरी की जो नमाज है ना वो घर में पढ़ता हूँ, क्योंकि नमाज पढ़ते साथ ही जिम चले जाता हूँ, और अभी बस नीचे बैग शैग रेडी कर रहे हूँ जिम का, जाके बैग पकड़ते हैं और जिम निकलते हैं। जिम हम पहुँच गए हैं, ठीक है अंदर चलते हैं। हाँ भाई जुबैर, ये हाल है, ठीक ठाक हो, राजीव है, अभी जिम है जी। हाँ नहीं इधर देखो जरा, ठीक है कोई बंदा बशर नहीं, तो आपको भाई सबसे पहले पहुंचता जिम पे। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? क्या बात है, एक दो बंदा होता है पहले भी मेरे आने से, कुछ एक दो लड़का आ गया होता है, लेकिन आज नहीं है, मतलब कि मैं जिम आता हूँ मैं आऊंगा यार, एक दो लड़का और होगा, इससे ज्यादा लोग जिम में नहीं होते, अभी आस्ते आस्ते आना शुरू हो गया, होने 7 हो गए, ठीक है लाइटें भी सारी बंद है, जैसे लाइटें भी ऑन करते हैं, तो ये जी जिम आप देख सकते हैं नीचे वाला पोर्शन, तो अभी ऊपर भी है जो आज मेरा मूड है कि मैं वर्कआउट ऊपर करूँ, पानी की बोतल भरते हैं और चलते हैं जाके अपना जो वर्कआउट है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए जी ऊपर वाले पोर्शन में, ऊपर भी खाली है अभी, बैग रखते हैं, वार्म अप होते हैं और फिर अपना जो वर्कआउट है वो स्टार्ट करते हैं। वार्म अप हमने कर लिया, ठीक है ग्लव्स अपनी किट शिट भी कर ली हुई है, तो अभी हम लेग का जो वर्कआउट है वो स्टार्ट करने लगे हैं जी, लेग एक्सटेंशन से, तो वर्कआउट करते हैं फिर इसको हम लेग कर लगाएंगे, ये वाली 7 वाली जो मशीन है ना, ये वाली ऐसे नज़र आ रही होगी आपको, ये मशीन लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल, ये दोनों मैं एक साथ परफॉर्म करूँगा, मतलब एक साइड इसका और एक एक साइड इसका, तो टोटल हमने 5 सेट इसके लगाने हैं, 5 सेट इसके लगाने हैं, तो अब वर्कआउट अपना जो चाहना है वो होने लगा स्टार्ट। लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल हमने लगा दिए, तो आप लगाने स्पॉट्स नीचे वाले पोर्शन में जा रहा हूँ, मशीन पर स्पॉट करवाऊँगा। और इधर अभी जी जिम में लड़के आना शुरू हो गए, हम लगाएंगे इस मशीन के ऊपर स्क्वाट्स, तो अपने स्क्वाट्स जो है ना अब वो लगाते हैं। सेट हमने रेडी कर लिया, 20-20 की प्लेट चढ़ा लिया है, लाइट वेट इसने किया है कि सेट लगाने हैं 8 और हर सेट की करने हैं 10-12 रेपिटेशन, तो इसलिए लाइट वेट करेंगे और इसलिए 8 सेट लगेंगे, हर वेट पर इतने ज़्यादा सेट नहीं लग सकते, तो इसलिए लाइट वेट पे 12 रैप 8 सेट लगाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं अब इसको भी। तो भाई इट्स टू हार्ड, 8 सेट 12-12 रेपिटेशन लगाना कोई आसान बात नहीं है, 4 सेट में बस हो गए,
और अभी 4 शॉट रह गए और बड़ा मुश्किल होता है। लाइट वेट में भी आप रहते हैं रैप्स लगाने और सेट ऊपर से 8 लगाने हैं, तो कोशिश पूरी करता हूँ। सेट में स्किप करता हूँ लेकिन लगाने मैंने पूरे 4 बजे था, मुझे ब्रेक लेना पड़े, ज़्यादा लंबा ब्रेक ही लेता लेकिन ये हार्डली 40 से 45 मिनट का ब्रेक लेके तो फिर सेट शुरू कर देता हूँ। स्क्वाट्स मारे लग गए, इसके बाद अब हम करेंगे 3 सेट 12-12 रैप स्प्लिट स्क्वाट लगाएंगे जो एक एक टांग करके, पहले एक टांग पे हम स्क्वाट्स करेंगे फिर दूसरी टांग करेंगे, तो लाइट वेट के साथ करेंगे। 3 सेट लगाने मैंने 12 से 15 रैप्स के लिए, तो चले आप लोग स्टार्ट करते हैं। वर्कआउट खत्म करके जी हम आ गए हैं ऊपर बाय रूफटॉप पे, जो जिम का सिटिंग एरिया बना हुआ है इधर रखे हुए हैं। अभी अपना थोड़ा रेस्ट करते हैं, साथ अपना जो प्रोटीन शेक है वो पीते हैं। इधर ये वैक्यूम से सफाई हो रही है भाई, सारे रूफटॉप की ये शेड डला हुआ है, ठीक है। और ये ऊपर वाला पोर्शन आपको थोड़ा दिखा भी दूँ, पहले इधर इस साइड से एंट्रेंस होती थी अब बंद हो गई, अब नीचे से एंट्रेंस है मेन जिम की, ठीक है। और ये है जिम ऊपर वाले पोर्शन में, इधर अभी हम वर्कआउट लगा रहे थे। बाकी ये लकी गेम लगा के अब चलना पड़ता है, सार हो जाता है लेकिन मज़ा बड़ा आता है। नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं, नेक्स्ट आज वर्कआउट होते हैं, फिर पेट की जो एक्सरसाइज है ना वो नहीं करता, वो नहीं होती, सामना नहीं पा रहा था, तो अभी अपना प्रोटीन शेक जो ना वो रेडी कर लेते हैं। ये आ गया प्रोटीन शेक, इसके अंदर डालते हैं पानी, ये 250 ml पानी डालेंगे हम, बस नफ है। ये घूंट रह गए, ये अब इसको शेक करते हैं अच्छी तरह और फिर पीते हैं। चल बंद हो जा, हो गया बंद, एक मिनट, हो गया बंद जी। लेग ये जो वर्कआउट है ना बहुत हार्ड वर्कआउट होता है भाई, ये अकेले लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब ये कि मुझे आदत हो गई हुई है काफ़ी सालों से अकेले ही वर्कआउट कर रहा हूँ, तो फिर वो अभी यूज्ड हो गया हूँ मैं। तो जी जिम शिम करके हम आ गए अभी घर, ठीक है। आज का जो वर्कआउट था ना वो बड़ा हार्ड वर्कआउट था हमारा, तो जिम का रिव्यूअर है वो भी आपको थोड़ा बहुत साथ कराते रहे और साथ वर्कआउट करते रहे। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया, अगर इसी तरह के मजीद व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा, आप लोगों को एंटरटेन करता जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक दें मुझे इजाज़त, आने के बाद अल्लाह हाफिज़।